मोदी सरकार ने इस साल अक्टूबर तक अपने प्रचार पर 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आरटीआई के मुताबिक शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और आउटडोर प्रचार पर अप्रैल 2014 से अक्टूबर 2017 तक विज्ञापनों पर खर्च 37,54,06,316 है। आवेदन ग्रेटर नोएडा के सामाजिक कार्यकर्ता रामवीर तंवर ने दायर किया था। केंद्र सरकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों पर 1,656 करोड़ रुपए खर्च करती है, जिनमें सामुदायिक रेडियो, डिजिटल सिनेमा, इंटरनेट, एसएमएस और टेलीविजन शामिल है। प्रिंट मीडिया में सरकार ने 1,698 करोड़ से अधिक खर्च किया। बाहरी विज्ञापन, जिसमें होर्डिंग्स, पोस्टर्स, पुस्तिकाएं और कैलेंडर शामिल हैं, जो 39.9 करोड़ रुपए से अधिक के लिए जिम्मेदार हैं, उत्तर में पता चला है। प्रचार ब्लिट्ज पर खर्च की गई राशि कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों और सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को आवंटित वार्षिक बजट से ज्यादा है। पिछले 3 वर्षों में प्रदूषण कमी के लिए सरकार का आवंटन केवल 56.8 करोड़ रुपए था। 2016 में तंवर द्वारा दायर आरटीआई के एक प्रश्न से पता चला था कि केंद्र ने 1 जून 2014 और 31 अगस्त 2016 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदर्शित विज्ञापनों पर 1,100 करोड़ रुपए खर्च किए थे। व्यय केवल टेलीविजन, इंटरनेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए था और इसमें बाहरी और प्रिंट विज्ञापनों पर खर्च शामिल नहीं था। 2015 में एक अन्य आरटीआई के जवाब में पता चला है कि केंद्र ने जुलाई 2015 तक प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो मन की बात के लिए समाचार पत्रों के विज्ञापन पर लगभग 8.5 करोड़ खर्च किए।